अमेरिका और इंडोनेशिया पड़े हैं रॉकी के पीछे, कहाँ जाएगा ये सारा सोना, कौन करेगा रॉकी की मदद। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू बॉडीग्रैड स्टूडियोज। KGF एक ऐसी सीरीज है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप सभी ने KGF 2 तो देखी ही होगी और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि KGF का थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर KGF चैप्टर 2 की इतनी मैसिव हिट के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील KGF का अगला चैप्टर लाने से खुद को कैसे रोक सकते हैं भला। उन्होंने अगर ऐसा सोचा भी तो KGF सीरीज की जो फैन फॉलोइंग है ना, उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। तो चलिए आज हम KGF के आने वाले नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। प्रशांत नील ने जिन सभी सवालों को KGF चैप्टर 2 में छोड़ा था, उन सभी सवालों के जवाब हमको चैप्टर 3 में देखने को मिलेंगे। वैसे तो फिल्म की कहानी किस थ्योरी पर बेस्ड होगी ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील जो है उन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म एक थ्योरी बेस्ड फिल्म होने वाली है। आज हम आपको उसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं कि प्रशांत नील की सभी फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आपने KGF के पहले चैप्टर में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अपने रॉकी भाई होते हैं। KGF के चैप्टर 2 में वो भारत पर तो राज कर ही लेते हैं, लेकिन दुनिया अभी बाकी है जिसकी कमी वो चैप्टर 3 में पूरी करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको फिल्म की कहानी सुनाते हैं। KGF चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के एंड से ही होगी। आपने देखा था कि फिल्म के एंड में रॉकी भाई समुद्र में डूब जाते हैं, यहीं से इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आप सभी को लगा था कि रॉकी भाई जो है वो समुद्र में डूब के मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका की सबमरीन्स नीचे समंदर में उनका इंतजार कर रही होती है, जिसका मतलब तो यही है ना कि रॉकी भाई की ये मौत एक प्लान्ड एक्शन थी। जैसे ही रॉकी भाई डूबते हैं, अमेरिका से आई हुई सबमरीन उन्हें बचा लेती है। ये सबमरीन और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर की होती है। आप सभी ने KGF चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को तो देखा ही होगा, इनकी एक छोटी सी झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है। मेकर्स इस फिल्म सीरीज के चैप्टर्स को आपस में जोड़ने के लिए पहले ही जिमी कार्टर को इस सीरीज में ऐड कर चुके हैं और अब पार्ट 3 में जिमी का एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो जिमी कार्टर अपने रॉकी भाई को ना अपने साथ अमेरिका लेकर जाते हैं। चैप्टर 2 में ही रॉकी भाई ने जिमी से काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी और अमेरिका जाने के बाद उसने वहाँ की सबसे बड़ी सोने की खदान डेविस गोल्ड फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। उसने जिमी को बताया कि वो अमेरिका और इंडोनेशिया के सारे सोने पर अपना नाम लिखवाना चाहता है, जिसके लिए उसे सबमरीन की मदद लगेगी और इसके बदले में वो उसको इंडिया में सबमरीन बिजनेस लॉन्च करने में हेल्प कर सकता है। जिमी इस बात के लिए फटाफट मान जाता है। उसके लिए सबमरीन का बिजनेस बहुत मायने रखता है। वो आज जो भी कुछ है ना, वो सिर्फ अपने सबमरीन के बिजनेस की वजह से ही था। इसलिए जब उसे लगा कि रॉकी भाई उसे इंडिया में काफी प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, तो वो उन्हें मना नहीं कर पाया और उन्होंने हाँ कर दी। अब रॉकी भाई अपना प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में रॉकी भाई अपनी सारी सेना खड़ी करते हैं। वो सबमरीन की मदद से इंडिया से अपने आदमियों को अमेरिका बुला लेते हैं और यहाँ अपने आदमियों को टॉप क्वालिटी की अटैकिंग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जिमी की मदद से रॉकी भाई अमेरिका में भी काफी सेना खड़ी कर लेता है और इसी तरह वो इंडोनेशिया में भी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए रॉकी भाई एक साथ कई जगहों पर इलीगल तरीके से सोना चुराने की प्लानिंग शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ रॉकी भाई को सोना लेना था, वहाँ वहाँ पर उन्होंने लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अमेरिका और इंडोनेशिया क्या बल्कि पूरे देश में इलीगल क्राइम की कड़ियाँ जोड़ते हुए रॉकी भाई नजर आएंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट की आंखों के नीचे से रॉकी डेविस गोल्ड फील्ड का सारा सोना सबमरीन्स में भरवा लेता है, लेकिन अमेरिका से उसे निकालना इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि बॉर्डर पर उसे आर्मी रोक लेती। इसके लिए रॉकी भाई ने एक उल्टा कदम अपनाया। उन्होंने अमेरिका के प्रिंस हेनरी स्मिथ को किडनैप कर लिया। हेनरी स्मिथ अमेरिका की क्वीन का पोता था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। रॉकी भाई सीना थोक कर बोलने लगे कि अगर उन्होंने उनकी सबमरीन पास नहीं होने दी तो वो प्रिंस हेनरी को मार डालेंगे। मजबूरन अमेरिकन गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा और बिना किसी को बताए रास्ता चेंज कर कर रॉकी भाई सबमरीन को अमेरिका से पास करवा लेते हैं। इधर वो प्रिंस हेनरी को एक घर में बंद कर देते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट और आर्मी को प्रिंस को ढूंढने के पीछे लगा देते हैं ताकि उस पर किसी की नजर ना जा पाए।
अब जैसे ही जो हमारे रॉकी भाई हैं वो अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो प्रिंस हेनरी को एक सबमरीन के जरिए अमेरिका में वापस भेज देते हैं। अब जो हमारे रॉकी भाई हैं, चाहे कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए उनके दिल में कितना प्यार है ये हम पहले ही चैप्टर में देख चुके हैं। इसी तरह एक एक करके रॉकी भाई इंडोनेशिया, ईरान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम समेत दुनिया के 16 देशों के सोने को चुरा लेते हैं। इस पल में आपको रॉकी देश विदेश में इलीगल तरीके से सोना चुराते हुए नजर आएगा और पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 में जैसे क्राइम्स करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, ठीक उसी तरह केजीएफ के इस आने वाले चैप्टर में रॉकी गोल्ड का इलीगल बिजनेस और सप्लाई करते हुए नजर आएगा। साथ ही इनायत खलीफ, जिसको केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने जिंदा छोड़ दिया था, आपको इस फिल्म में उसकी भी एंट्री देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि इनायत खलीफ केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई के हाथों मारा भी जाए। केजीएफ चैप्टर 3 एक और भी ज्यादा बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, क्योंकि फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की शूटिंग दिखाई जाएगी, जो कि पूरी तरह से एक हॉलीवुड शूट जैसी होने वाली है। साथ ही अगर फिल्म के VFX और एक्शन की बात करें तो वो इस बार काफी टॉप रेटेड देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से मेकर्स केजीएफ चैप्टर 3 की तैयारियां कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि वो रॉकी भाई को और भी ज्यादा बड़े लेवल का क्रिमिनल दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। आपको अगर याद हो तो KGF के चैप्टर 1 में रॉकी ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा, और अब KGF के आने वाले पार्ट में रॉकी ऐसा ही करते हुए हमें नजर आने वाला है। वैसे प्रशांत नील KGF की फ्रेंचाइज को बंद करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो हर पार्ट में उसके आने वाले चैप्टर का जिक्र छोड़ देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ, चैप्टर 3 में आपको बहुत सारे हिंट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी देखने को मिलने वाला है, और वो भी लाइन पे है। हालांकि इस फिल्म की कहानी को लेकर डायरेक्टर ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।